जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। दोस्तों, आज हम आपको इको स्पोर्ट का डैशबोर्ड खोल के बताएंगे कि डैशबोर्ड कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये डैशबोर्ड कुछ हद तक खुल चुका है। जैसे कि ये गाड़ी पहले भी खुल चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक से फिटिंग नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, इसका जो हॉर्न वाला बटन था, जो कि इस पे लॉक रहता है, ये चिपकाया गया था टेप से। तो ये मान के चलिए टेप से, हाँ टेप, तो हमने क्या किया है कि टेप से हटा के निकाल दिया। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेयरिंग है, इसको हम लोग खोल लेते हैं। जो कि स्टेयरिंग का जो नट है, वो 24 नंबर का नट है, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। स्टेयरिंग जैसे ही निकालेंगे, ये हमारा क्या होगा, देखिए स्टेयरिंग आराम से इजली बाहर निकल जाएगा। फोर रोड में बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ढक्कन है, ये ढक्कन का भी खुला हुआ पार्ट दिख रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें मैं खोला नहीं हूँ, पहले से ही खुला था, तो ये ठीक से फिटिंग करने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं कंप्लीट बाद में जब लगाऊंगा तो स्क्रू लगा दूंगा। और वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो फुल वीडियो है वो बहुत पहले पड़ चुका है, इको स्पोर्ट फुल एसी सिस्टम चेंज के ऊपर। उसका वीडियो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एयरबैग का जो ये मॉड्यूल का और ये कॉम्बिनेशन स्विच का वायर है, ये सॉरी एयरबैग का जो ऊपर का जो हॉर्न और एयरबैग का वो रहता है, क्या बोलते हैं इसको, क्लॉक स्प्रिंग, उसको हम लोग खोल लेते हैं और उसका वायरिंग निकाल देते हैं। और दोस्तों, इसमें 8 नंबर के जो देख रहे हैं बोल्ट, मैं खोल रहा हूँ, इससे क्या होगा, कॉम्बिनेशन स्विच ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे दिया रहता है, तो आपको देख के खोलना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही ढीला होगा, कॉम्बिनेशन स्विच हमारा बाहर निकल जाएगा ये क्लॉक स्प्रिंग के साथ पूरा। ठीक है, नहीं तो क्लॉक स्प्रिंग को जब भी खोलिए तो रखिए सेंटर में, रख के खोलिए, स्टेयरिंग को सेंटर में रखिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो क्लॉक स्प्रिंग टूट जाएगा, जो कि 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाता है कस्टमर का। यहाँ पे अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका जो पैनल है, ये सब सिर्फ लॉक पे लगा रहता है फ्रंट पैनल, तो इसको हम लोग निकालेंगे। और देख लीजिए, यहाँ पे साइड वाला जो इसमें कुछ भी सामान रखने वाला था, उसको निकाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैनल देखिए, लॉक बहुत हार्ड फिटिंग है, तो लॉक को बस निकालना रहता है और कुछ करना नहीं है। इसमें लॉक निकाल लेंगे, ये हमारा यहाँ से आगे से पैनल निकल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा क्या करना है, हम लोगों को क्लस्टर मीटर को निकालना है। तो क्लस्टर मीटर के लिए स्टार एलेंकी वाला, सब फोर्ड में आपको पता ही होगा कि स्टार एलेंकी देता है ज़्यादातर, स्टार एलेंकी वाला बोल्ट सब स्क्रू सब रहता है, तो उसको हम लोग को खोलना रहता है। देख लीजिए, 2 बोल्ट नीचे और 1 बोल्ट ऊपर। ये हमेशा कभी भी खोलिए डैशबोर्ड दोस्तों, जो भी मेरे भाई सीखते हैं, जो भी वीडियो मांगते हैं डैशबोर्ड ओपनिंग का, वो लोग ध्यान रखें कि जो भी मैं खोल रहा हूँ या फिटिंग कर रहा हूँ, मैं जितना खोल रहा हूँ, हो सकता मुझे सब पता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती है। तो कभी कभी ऐसा है कि आप मेक श्योर करिए कि जो स्क्रू हम खोल रहे हैं, सारा स्क्रू उसी चीज़ का है या फिर नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये डैशबोर्ड, मुझे कूलिंग कॉइल चेंज करना है, तो मैं चाहूँ तो पलटी मार के दिखा सकता था एक ही बार में, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग डैशबोर्ड ओपनिंग का वीडियो इको स्पोर्ट का मांगे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बोला कि उसको मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्लस्टर मीटर जैसे ही निकल जाता है दोस्तों, तो हमारा आप देखिए, साइड का जो पैनल है वो निकाल देंगे, और यहाँ पर गियर लीवर का जो पैनल है, इसका कुछ स्क्रू है, देख लीजिए। अब मैं बोला जैसे कि आपको स्टार लिंक और 7 नंबर के नट स्क्रू रहते हैं, बोल्ट स्क्रू, तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। ये खोलेंगे तो हमारे जो साइड का पैनल है और ये गियर लीवर का पैनल, ये मतलब हट जाएगा, हटेगा तभी डैशबोर्ड ये निकलेगा, नहीं तो निकलने के लिए मुश्किल होगा, निकलेगा नहीं। जैसे ही अब अगर आपको पलटी भी करना, तो गियर लीवर का आपको पैनल निकालना ही निकालना पड़ेगा, और पलटी करना बहुत आसान होता है दोस्तों, इसीलिए सब लोग पलटी मार देते हैं। लेकिन आप लोग, अब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग वीडियो स्पेशली डैशबोर्ड ओपनिंग का वीडियो मांगते हैं, इसलिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। बहुत दिन से ये वीडियो डालने की सोच रहा था, लेकिन डाल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं सोचा कि चलिए अब इस वीडियो को हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, गियर लीवर के पास चार्जिंग वाला सॉकेट और इसका जो हम लोग USB लगाते हैं, जिससे मोबाइल हमारा कनेक्ट हो जाता है, रेडियो बजता है, वो उसका वायर सॉकेट रहता है, उसको निकाल के साइड वाला पैनल हम लोग निकाल देंगे, दोनों पैनल को। ये देख लीजिए, निकल गया। अब यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए, गियर वाला जो अब पैनल है, इसमें स्क्रू जो दिख रहा है आपको सामने से, ये 2 स्क्रू मैं खोल लूँगा। ये देख लीजिए, ये 2 स्क्रू खोल के और ये पैनल मैं बाहर निकाल दूंगा, तभी ये डैशबोर्ड फ्री होगा, नहीं तो डैशबोर्ड फ्री नहीं होगा इसका। तो यहाँ पे 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को हम लोग खोल लेंगे। जैसे दोस्तों दोनों स्क्रू हमारा खुलेगा, उसके बाद ये हम पैनल बाहर निकाल देंगे, और निकालने के बाद इसका आगे का जो प्रोसेस है, जैसे खोलने का है स्टीरियो और ये सब चीज़ें, इसको निकाल के आपको हम बताएंगे कैसे कैसे निकलता है। आप लोग बस ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि डैशबोर्ड कैसे खोला जाता है किसी भी गाड़ी का। किसी भी गाड़ी का डैशबोर्ड खोलने के लिए मैं भी जब मैं सीखता था, तो मैं भी ऐसे धीरे धीरे करके ही सीखाऊँ। स्क्रू पता नहीं रहता था कौन सा खोलना है, लेकिन खोल देता था, लेकिन फिटिंग करने वाले तो कर ही देते थे मेरे जो सहायक लोग थे। तो ये सब चीज़ें आदमी सीख जाता है धीरे धीरे। बाकी उसके बाद दोस्तों,
यहाँ पे स्टीरियो और पैनल निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये फ्रंट वाला जो जिसमें घड़ी का टाइम दिखाता है, ऊपर डिस्प्ले छोटा सा रहता है उसमें सब स्पीड दिखाता है, इसको हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। और निकालने के लिए बस कुछ नहीं है, लॉक है, बस इजी निकाल देंगे। उसके बाद दो स्क्रू ऊपर के साइड में दिया रहता है जो कि स्टीरियो हमारा निकालने के काम आता है। स्टीरियो और इसमें एसी वेंट दोनों दिख रहा है आपको, तो ये दोनों स्क्रू खोलेंगे तो हमारा स्टीरियो बाहर मतलब निकल जाएगा। उसके बाद इसके पीछे जो वायरिंग लगा रहते हैं उसके कपलर हम लोग निकाल देंगे, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये इस कपलर है, थोड़े से हार्ड रहते हैं तो आपको निकालने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप पेचकस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं जहाँ जहाँ पेचकस का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोग नहीं करिए, अगर आपके पास क्लिपर क्लिपर से निकालिए, स्पेशली इसका टूल आता है डैशबोर्ड निकालने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस है तो हम लोग को पता है कि कितने पे पेचकस मार देंगे तो इसमें दाग हो पड़ेगा नहीं, तो ये सब चीज़ों का बहुत हम लोग ध्यान रखते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का आप लोग इस्तेमाल ना करें, अगर आपके पास वो टूल है तो टूल से काम करिए। बाकी मैं तो पेचकस से काम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से ये चीज़ होने वाला नहीं है, दाग उग लगने वाला नहीं है। मैं बहुत सावधानी से मैं इसको निकाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे साइड में जो ये पैनल देख रहे हैं आप, इस पैनल को हम लोग निकाल लेंगे। पैनल निकालने के बाद ही देखिए, अगर आपको डैशबोर्ड पलटी मारना था, यहीं पे देखिए इसका मेन पाइप का बोल्ट जो लोहे का दिख रहा है ना, यही बोल्ट खोलना होता है। लेकिन अगर आपको डैशबोर्ड खोलना है तो ये 7 नंबर के जो फाइबर वाले नट दिख रहे हैं, स्क्रू दिख रहे हैं, वो आपको खोलने होते हैं, जो कि मैं ये खोल रहा हूँ। देख लीजिए ये फाइबर वाले, उसके ठीक बगल में देखिए आप लोहे का स्क्रू, लोहा दिख रहा है जिसमें वो मेन पाइप वाला बोल्ट फिटिंग है, उसको खोल लेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट पाइप ही निकल जाएगा, पूरा डैशबोर्ड के डैशबोर्ड साथ ही निकल जाएगा। और वायरिंग वायरिंग कुछ डिस्कनेक्ट करना रहता है, स्टेयरिंग स्टेयरिंग डिस्कनेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने स्क्रू ये खोल लेना है, 3 स्क्रू इसके देखे हैं आपने, तीनों स्क्रू मैं खोल लिया हूँ। और खोलने के बाद दोस्तों मैं इसका क्या बोलते हैं आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जैसे आप जैसे खोल रहे हैं तो डैशबोर्ड को थोड़ा सा हिला के देख लीजिए कि डैशबोर्ड क्या हमारे से जहाँ से खोल रहे हैं वहाँ से फ्री हो चुका है कि नहीं। और इसके ठीक क्लस्टर मीटर के नीचे एक वायर रहता है, स्क्रू दिख रहा है जो कि क्लस्टर मीटर आप खोलेंगे तभी ये दिखेगा, तो इसको खोल लेना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, मेरा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया है, मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा स्क्रू इसमें बचा नहीं है, तो मैं ऑलमोस्ट आसानी से खोल दूंगा। अभी ठीक स्टीरियो के नीचे वाला में साइड में 2 स्क्रू दिख रहा है जो कि मेन पाइप में ही फिटिंग है इसका, मेन प्लंजर में, तो इसको हम लोग 2 स्क्रू को खोल लेंगे। देखिए ध्यान रखिए, कभी भी ज़बरदस्ती डैशबोर्ड को निकालने की कोशिश मत कीजिए, सारे स्क्रू खुल जाएंगे इजीली, बहुत आसानी से डैशबोर्ड निकल जाता है, कोई फर्क कोई ज़्यादा तकलीफ कर लेने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे साइड का पैनल मैंने फिर जैसे उस साइड में राइट साइड में निकाला, उसी तरीके से लेफ्ट साइड में निकाल दूंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा ग्लोव बॉक्स होता है, ग्लोव बॉक्स मैंने पहले ही निकाल दिया, ग्लोव बॉक्स में कुछ नहीं, लॉक रहता है, आप निकालेंगे वो निकल जाएगा। उसके बाद ठीक ग्लोव बॉक्स के पीछे वाला जो कवर है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 3 स्क्रू ऊपर के साइड में है, 1 स्क्रू नीचे के साइड में, ये 4 स्क्रू खोलेंगे तो आपका ये पूरा ये कवर ही पूरा ब्लैक वाला निकल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा कट हो गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखिए कि ये ऊपर वाला स्क्रू निकाल के नीचे वाला डायरेक्ट ये जो इसके ठीक नीचे स्क्रू है वो खोल लीजिएगा जरूर, वो भूलिएगा मत, नहीं तो टूट सकता है पैनल। अब यहाँ पे साइड वाला जो स्क्रू है हम लोग इसको खोल लेंगे, देख लीजिए जैसे कि आप खोल रहे हैं, जैसे राइट साइड में खोलाऊँ उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी हम लोग खोल लेंगे इसको। अब यहाँ से खोलने के बाद देखिए दोस्तों, मैं डैशबोर्ड को थोड़ा सा ऐसे करके देख लेता हूँ कि क्या डैशबोर्ड मेरा ऊपर नीचे हो रहा है या ढीला वाला तो हो गया कि नहीं। थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट मेरा डैशबोर्ड मुझे लग रहा है फ्री हो चुका है। तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पे 2 बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ये जो कि मेन पाइप में डैशबोर्ड के साथ फिटिंग है, इसको हम लोग खोल लेंगे, दोनों बोल्ट को खोलेंगे तो हमारा ये पैनल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट डैशबोर्ड मेरा फ्री हो जाएगा और मुझे ज़्यादा स्क्रू अब खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ आगे का स्क्रू है, ये मुझे खोलने की ज़रूरत है, तो जो कि मुझे इसको खोलना है। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों हमारा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है फ्री हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी डैशबोर्ड खोलना है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है डैशबोर्ड वोशबोर्ड खोलना। हम लोग तो डायरेक्ट पलटी मारते हैं, लेकिन वो तो वीडियो आप लोग मांगते हैं, इसलिए मैं अलग से थोड़ा सा डैशबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड कैसे खोला जाता है। नहीं तो इसमें डैशबोर्ड पलटी मारने में आधा घंटा और खोलने में 1 घंटा ऐसे समय लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या करना है हम लोगों को, जो एसी का जो ये देख रहे हैं पैनल, ये जिससे एसी का बटन है जिसमें, इसको निकालने के लिए आपको ये ब्लैक वाला पैनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान रखिए, देखिए मैं पेचकस का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ संभाल के, मुझे पता है कि कहाँ पे करेंगे तो स्क्रैच इस गाड़ी के अंदर नहीं लगेगा या फिर दाग नहीं पड़ेगा, तो उस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पैनल ब्लैक कलर वाला जो है उस सिर्फ लॉक पे फिटिंग है। ठीक है, सिर्फ लॉक पे फिटिंग है, तो इस लॉक को हम लोग
सावधानी से इसको छटका देंगे, देख लीजिए जैसे निकल गया। अब इसका जो ये नॉब दिख रहा है पूरा एसी जिससे हम लोग हमारा ऑन ऑफ होता है, इसके चार स्क्रू हैं, चारों स्क्रू को हम लोग खोल लेंगे, देख लीजिए। चारों स्क्रू खोलेंगे तो हमारा ये एसी का पीछे वायरिंग जो लगा रहा था वो निकाल के एसी का नॉब निकाल देंगे और हमारा डैशबोर्ड यहाँ से फ्री हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको ये डैशबोर्ड खोलने का वीडियो समझ में आ गया हो। और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सुनिए हम लोग कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं, प्लस व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हम लोग अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीछे दो वायरिंग हैं जो कि मेन इसका एसी को कंट्रोल करने वाला वायरिंग है, इसको हम लोग निकाल देते हैं। और देखिए अब इसके बाद हम लोग डैशबोर्ड को निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए कि वायरिंग जो भी हम लोग निकाले हैं वो वायरिंग सही से निकला है या नहीं है, तो तभी ये डैशबोर्ड अच्छे से निकल पाएगा बाहर। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।